अशरफ हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों शूटरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही साथ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एसआईटी को 4 मोबाइल नंबरों का भी पता चला है। इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद हत्याकांड के तीनों आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ बड़ी खबर यह है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले शूटर्स को लेकर की गई जांच में एसआईटी को 4 मोबाइल नंबरों का पता चला है, जिनमें से लवलेश तिवारी और एक दूसरे शूटर अरुण मौर्या का मोबाइल नंबर भी सामने आया है। बता दें कि इन नंबरों की कॉल डिटेल भी एसआईटी को मिल गई है। पुलिस अब सीडीआर के जरिए पता लगा रही है कि वारदात से पहले शूटर्स ने किसको फोन किए थे और कितनी बार किए थे। बताया जा रहा है कि बांदा के रहने वाले शूटर लवलेश तिवारी ने हत्या से पहले आखिरी कॉल अपने भतीजे को किया था। इसी के साथ परिवार के लोगों से भी लवलेश ने बातचीत की थी। इसके बाद उसने मोबाइल और सिम तोड़कर फेंक दिया था। दूसरे शूटर अरुण मौर्या की बात करें तो उसने अपना मोबाइल और सिम नोएडा में ही नष्ट कर दिया था। लवलेश ने 12 अप्रैल को लखनऊ में मोबाइल और सिम कार्ड नष्ट किया था। एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया है कि 24 अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिनमें पुलिस कर्मी के साथ मीडिया कर्मी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और लोग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एसआईटी को शूटरों के पास से आधार कार्ड भी मिला है जो फर्जी था। आधार में नाम और पिता का नाम तो सही था, लेकिन पता गलत लिखा है। इस आधार में तीनों का पता चित्रकूट बताया गया है। एसआईटी को सीडीआर से कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जिसमें बी और सी पार्टी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। अब आपको याद दिला देते हैं कि पुलिस के सामने आरोपियों ने क्या क्या खुलासे किए थे। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ पर तीनों शूटर्स ने चंद सेकंड आगे पीछे एक साथ फायरिंग की थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन तीनों शूटर्स को लीड कौन कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की पूछताछ में शूटर्स के हवाले से यह खुलासा हुआ कि सनी सिंह खुद अपराधी और माफिया सुंदर भाटी गैंग के संपर्क में रह चुका है। हमीरपुर जेल में रहने के दौरान सनी सिंह सुंदर भाटी गैंग के संपर्क में आया था। सनी सिंह ने ही लवलेश तिवारी और अरुण को हत्या में शामिल किया था। इस साथ ही साथ ये भी खबर सामने आई कि शूटर सनी सिंह ने कहा था कि वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो खुद एक डॉन है और उसने पैसे और शोहरत की चाहत में अतीक अशरफ की हत्या की है। शूटर लवलेश तिवारी ने बताया कि वो कट्टर हिंदूवादी है और मशहूर होने के लिए उसने अतीक अशरफ की हत्या कर दी। शूटर अरुण ने कहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या करके वो ढेर सारा पैसा और पब्लिसिटी पाना चाहता था। पूछताछ में आरोपियों ने कहा था कि अतीक अहमद की हत्या के लिए शूटर्स ने 14 अप्रैल की भी कोशिश की थी। पुलिस रिमांड के लिए सुनवाई में अदालत जाते समय शूटर्स आसपास मौजूद थे, लेकिन बेहद सख्त सुरक्षा घेरा देखकर हमले का प्लान टाल दिया था। VK News, राष्ट्र के नाम।